गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कल हमने फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी क्यूब्स एंड क्यूब रूट की। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे कि कैसे हम किसी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखा था, इसी तरह से आज हम सीखेंगे किसी गिवन नंबर का क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करा जाता है। नाउ व्हाट इज क्यूब रूट? फाइंडिंग द क्यूब रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग क्यूब। ये किसी नंबर का क्यूब निकालने का रिवर्स ऑपरेशन है। जैसे अगर हम 2³ = 8 लिखते हैं, ये तो हमने यहाँ क्यूब निकाला, इसका रिवर्स ऑपरेशन क्या होगा? हम इसे क्या कह सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। तो क्यूब रूट किसी भी नंबर का वो नंबर होता है जिस नंबर का क्यूब करने पर आपको गिवन नंबर मिलता है। तो क्यूब रूट ऑफ 8 वो नंबर होगा जिसका क्यूब करने पर हमें 8 मिला। तो 2 का क्यूब करने पर 8 मिला, इसलिए क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। तो इस क्यूब रूट के लिए हम साइन कौन सा यूज करते हैं? स्क्वायर रूट साइन के अंदर ये 3 लिख देते हैं, देन इट शोज क्यूब रूट साइन। सो दिस स्टेटमेंट वी विल राइट इट इन मैथमेटिकल फॉर्म एज क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल टू 2। इसी तरह से 4 का क्यूब क्या होता है? 64। तो इसको हम क्या लिखेंगे? क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल 4। नाउ वी विल स्टडी हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो क्या करेंगे इस मेथड में? जैसे हमने स्क्वायर रूट में किया था, सबसे पहले उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। सो फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर, फिर उसमें जो इक्वल फैक्टर्स हैं उनके ट्रिपलेट्स बनाएंगे, मतलब 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। मेक द ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, और हर ट्रिपलेट में से एक एक नंबर नोट करके उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। राइट वन नंबर फ्रॉम ईच ट्रिपलेट एंड फाइंड देयर प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट इज द क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर। चलिए अब इसको सीखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर हमें इन नंबर्स का क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहला नंबर हमारे पास है 64। 64 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 8 ज़ा 16 एंड लाइकवाइज। अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, तो हमने क्या करा, ये ट्रिपल लेट इसका एक बनाया, यहाँ इसमें से एक नंबर 2 लिखा, नेक्स्ट ट्रिपलेट में से एक नंबर 2 नोट करा और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट द क्यूब रूट। ये ध्यान रखना है कि जब आप हर ट्रिपलेट में से एक एक नंबर लिखेंगे तो यहाँ आपके पास क्यूब रूट का साइन लिखा होना चाहिए। कुछ बच्चे इसे इक्वल टू में सिंपली 64 इक्वल टू में कंटिन्यू करते रहते हैं और क्यूब रूट नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट इज 512। तो 512 के भी इसी तरह से हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 2 ज़ा 4, एक कैरी चला गया 11 बन गया, 2 5 ज़ा 10, फिर 1 कैरी चला गया 12 हो गया, देन 2 6 ज़ा 12, अगेन ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16। लाइक वाइज वी कम्प्लीट दिस प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, तो यहाँ फर्स्ट 3 का एक ग्रुप बना और उस ग्रुप में से एक 2 हमने नोट करा, देन नेक्स्ट 3 फैक्टर्स का एक ग्रुप बन गया और उसमें से एक नंबर हमने नोट किया, देन नेक्स्ट 3 फैक्टर का एक ट्रिपलेट बन गया और उसमें से हमने 8 2 नोट करा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 8। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8। नेक्स्ट इज 10648। अगेन डू इट्स फैक्टराइजेशन, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। लाइकवाइज यू हैव टू कम्प्लीट दिस फैक्टराइजेशन। यहाँ पर आपके लिए फैक्टराइजेशन करने के लिए जो आपने 6th क्लास में डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े थे, 2 की डिविजिबिलिटी, 3 का, 4 का, 6 का, 5 का, 8 का, वो आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो एक बार सब बच्चे उन डिविजिबिलिटी टेस्ट को रिवाइज करेंगे। अब हमने इसका क्यूब रूट निकालना है,
तो ये फर्स्ट थ्री नंबर्स का एक ट्रिपलेट बन गया और उस ट्रिपलेट में से एक टू हमने नोट किया. इसी तरह से नेक्स्ट थ्री नंबर्स का एक ट्रिपलेट हो गया, उसमें से एक नंबर नोट किया एंड देन मल्टीप्लाई द टू, दैट इज 22 इज द क्यूब रूट ऑफ 10648. सिमिलरली द नेक्स्ट वन 27,000 प्राइम फैक्टर्स करेंगे इसके भी एंड देन एक ट्रिपलेट बनाते हुए हर ट्रिपलेट में से एक एक नंबर नोट किया. यहाँ पे इन तीनों में से एक नंबर टू आ गया, नेक्स्ट तीन के में से एक नंबर टू, नेक्स्ट थ्री में से एक नंबर टू, फाइव, देन मल्टीप्लाई द ऑल द थ्री नंबर्स, यू गेट 30. इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज 30. एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप, जो परफेक्ट क्यूब नंबर्स होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ ज़ीरोज हैं वो आपकी इवन नहीं होगी और वो थ्री का मल्टीपल होगी, या तो तीन ज़ीरो होंगी या छः ज़ीरो होंगी या नाइन ज़ीरोज होंगी, थ्री का मल्टीपल होंगी हमेशा. नेक्स्ट इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर टू, स्टेट ट्रू और फॉल्स, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन. ये फॉल्स है, जैसे वन का क्यूब क्या होता है 1, थ्री का क्यूब 27, तो ऑड नंबर का क्यूब ऑड ही आ रहा है. 5 का क्यूब 125, ये भी ऑड है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट इज, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद टू जीरोज, ये बिल्कुल ट्रू है. अभी मैंने आपको बताया कि दो जीरोज नहीं हो सकते हैं. नेक्स्ट, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25. चलो इसको हम चेक करते हैं. 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 5 का क्यूब 125. अब दूसरा नंबर लेते हैं जिसके एंड में 5 आ रहा हो, जैसे 15. 15 का स्क्वायर 225 होता है. 15 का क्यूब क्या होता है 3375. लेकिन इसके क्यूब में लास्ट में 25 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. ये कह रहा है कि किसी नंबर के अगर एंड में 5 है तो क्या उसके क्यूब में भी के एंड में 25 आएगा? नहीं आएगा, वो हमने यहाँ से चेक कर लिया. नेक्स्ट इज, देर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8. ये भी फॉल्स है, क्योंकि 12 का क्यूब क्या होता है 1728 और जो कि 8 में एंड हो रहा है. नेक्स्ट इज, द क्यूब ऑफ अ टू डिजिट नंबर मे बी अ थ्री डिजिट नंबर. ये भी फॉल्स है, जैसे 10 का क्यूब, 10 टू डिजिट नंबर, सबसे छोटा टू डिजिट नंबर है, इसका क्यूब निकालेंगे तो हमारे पास 1000 आ रहा है और ये सबसे स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब हो गया. मींस सबसे स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर का क्यूब हो गया और इसमें 4 डिजिट्स आ रहे हैं. इसी तरह से 11 का क्यूब करेंगे 1331, इसमें भी 4 डिजिट्स हैं, सो दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. नेक्स्ट इज, क्यूब ऑफ टू डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स. ये भी फॉल्स है, क्योंकि सबसे बड़ा टू डिजिट नंबर क्या है 99 और 99 का क्यूब हमने निकाल के देखा, ये आ रहा है, कितने डिजिट्स हैं इसमें 6, तो ये सबसे बड़ा नंबर था, तो इससे बड़ा नंबर तो आएगा ही नहीं, तो जिसमें इसका मतलब जो टू डिजिट का सबसे बड़ा टू डिजिट के नंबर हैं उसके क्यूब में 7 डिजिट्स नहीं हो सकती हैं. नेक्स्ट, क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर. सो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ये कह रहा है मे बी अ सिंगल डिजिट, इसने कंपल्सरीली नहीं कहा, तो यस इट इज टू, इट इज टू, जो सिंगल डिजिट नंबर है उसका क्यूब सिंगल डिजिट हो सकता है, नॉट कंपल्सरी, हो सकता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे, नाउ यू कंप्लीट द एक्सरसाइज. थैंक यू.